आमतीनगर हुडको में रविन्द्र निकेतन द्वारा संचालित कालीबाड़ी में बंगाली समाज द्वारा आयोजित 5 दिवसीय नवरात्र के अवसर पर शुक्रवार को महानवमी की पूजा की गई। सुबह बलिदान पुष्पांजलि के बाद संधि पूजन किया गया। इसके बाद दोपहर कुमारी पूजा के बाद भोग और फिर संध्या आरती हुई। रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ जिसमें महिलाओं ने हाथों में दीपक लेकर धुनोची नृत्य प्रस्तुत किया। शारदीय नवरात्र के अवसर पर हुडको कालीबाड़ी में माता की स्थापना की गई। बंगाली समाज के द्वारा 4 दिवसीय महा उत्सव मनाया गया। प्रतिदिन भंडारे का आयोजन यहां पर किया गया। इसके साथ ही रोज रात यहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए और फिर दिन आया धुनोची नृत्य प्रस्तुत करने का। तो यहाँ पर झूम कर माता के सामने सभी ने धुनोची नृत्य प्रस्तुत किए। इस दौरान यहाँ पर साइबर क्राइम से किस तरह बचे इसे लेकर यहाँ पर लोगों को जागरूक भी किया गया। लोगों को नीचा दिखाना, उनको डराना, उनको धमकाना जो होता है वो किसी अपराधी का उद्देश्य होता है साइबर बुलिंग के माध्यम से। किसी भी प्रकार कोई व्हाट्सएप मैसेज कर रहा है, कोई टेक्स्ट मैसेज करके आपको परेशान कर रहा है, कोई इंस्टाग्राम या फेसबुक के माध्यम से आपको तंग कर रहा है, आपके वीडियोज लीक करने की कोई बात कहता है या फोटो को वायरल करने की कोई बात कह रहा है, तो ये साइबर बुलिंग है। ये किसी ना किसी प्रकार से आपको अपमानित करना, आपको डिप्रेशन में डालना, आपको मानसिक तनाव में ले जा रहा है। ये चीज़ें इसमें सबसे पहली बात यह है कि कभी भी इस प्रकार की कोई चीज़ हो तो उसको रिपोर्ट करें और उसके बाद उस कम्युनिकेशन को ऑलवेज ब्लॉक कर दें। ब्लॉक करने के पश्चात आप कभी भी अपने निकटतम वरिष्ठ की सहायता लें, चाहे वो आपके घर के माँ बाप हो सकते हैं, बड़े भाई बहन हो सकते हैं, और पुलिस ऑलवेज आपके साथ रहती है। आप हमेशा पुलिस से इस गंभीर विषय के बारे में बात कर सकते हैं। हनी ट्रैप और सेक्सटॉर्शन के मामले बहुत दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। लोग झांसे में आते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से दोस्ती होती है, व्हाट्सएप पे एक वीडियो कॉल होता है, कहीं ना कहीं किसी कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में आपसे आपकी इमेज, आपका वीडियो जो है वो ले लिया जाता है और फिर आपको ब्लैकमेल करने का सिलसिला, अंतहीन सिलसिला शुरू होता है जिसमें कुछ हजार से कई लाख रुपए जो है आपसे ले लिए जाते हैं, उसके बाद भी वो सिलसिला ख़त्म नहीं होता। तो ऐसे सिचुएशन में हमेशा ये ध्यान रखें कि पुलिस हमेशा आपके साथ है, आप इस चीज़ की रिपोर्टिंग करें ऑलवेज। कभी भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। बहरहाल बड़ी संख्या में यहाँ पर समाज के लोग शामिल रहे। ACN News के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।